तो दोस्तों आज हम दिखाएंगे आपको कि इस बॉटल को दूसरे तरीके से साफ कैसे किया जा सकता है। इस प्रोसीजर में बेसिकली इस पर्टिकुलर बॉटल को हमें ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो घर पे रह के हम इसकी सफाई कैसे कर सकते हैं, अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये नीचे से एक पोर्शन इसका यहाँ से ये खुल जाता है, तो एक तो ये पोर्शन खुलता है इस पर्टिकुलर बॉटल का और ये आपकी कैप है। तो ये जो पर्टिकुलर चीजें हैं ये दोनों आप इन दोनों चीजों को आराम से अपने घर पे जो हमारा विम होता है या अगर जो डिटर्जेंट हम लोग क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं उन पर्टिकुलर डिटर्जेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो इनमें बेसिकली यही है कि अगर ये पर्टिकुलर डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो ये जो एक पोर्शन है ये विनेगर से साफ होता है, रेस्ट इन दोनों को आप साबुन से या डिटर्जेंट से या किसी भी और चीज से साफ कर सकते हैं। तो विनेगर सिट्रिक एसिड हमारे घरों पे बहुत इजीली अवेलेबल होता है। अगर मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ ये विनेगर इसके अंदर डालना कैसे है और इसे रिंस कैसे करना है। ये विनेगर इसके अंदर हमने डाला, इसको हल्का सा हिलाना है, ये प्रोसेस खाली दो मिनट तक, मतलब इसे होल्ड करके ऐसे ही रखना है। इसे ऐसे ही रखने के बाद इस विनेगर जब ये थोड़ा दो मिनट तक यहाँ पे ये प्रोसेस अपना कर ले तो उसके बाद इस पर्टिकुलर विनेगर को फेंक दें। विनेगर को फेंकने के बाद इस पर्टिकुलर चीज में आप इसे एक बार खाली पानी से धो लें। तो पानी से इसे खाली इसमें हल्का सा पानी डालें और इसे धो लीजिए। धोने के बाद इस पर्टिकुलर पानी को भी फेंक दीजिए ताकि इसमें से विनेगर की स्मेल ना आए। अगर टैप वाटर हो जहाँ पे हम पानी, जो ड्रिंकेबल वाटर है, हम उसी को यूज़ करते हैं इसकी सफाई के लिए, तो इसी का इस्तेमाल आप कृपया करें। आपको कुछ नहीं करना है इसके अलावा, इन पर्टिकुलर तीनों चीज़ों को वापस आप जोड़ के इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था इसका सर्विस एट होम सेकंड पार्ट, जो कि आपके अपने घरों में आराम से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए और हमारे कृपया लाइक व शेयर जरूर करें।